परिवार कैसे आप सब फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि मैं हेयर वॉश का वीडियो बनाऊँ, तो आज बहुत दिनों बाद अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गए हैं, तो मैं सोच रही कि बना ही देती हूँ। मैं बस ट्रेडिशनल मेथड्स आपको बताऊँगी, जैसे कि पहले हम लोग पहले मतलब गाँव में अभी भी इसे ट्रेडिशनल मेथड और जो ट्रेडिशनल जो सामान है उससे धोया जाता है, जैसे कि हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं शहर में, वैसा कुछ नहीं है। गांव में मिट्टी में धोया जाता है, अभी भी धोया जाता है, पहले भी लोग धोते थे। और मिट्टी से जो बाल है बहुत अच्छा है, मिट्टी का जो बाल का ग्रोथ है बहुत अच्छा होता है और सिल्की शाइनी भी रहता है बाल, और हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाते हैं, रूसी वगैरह है वो भी ठीक हो जाता है, मतलब डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाती है। तो मिट्टी से बहुत सारे फायदे होते हैं फ्रेंड, अगर हम बाल को सुखाएंगे तो। और पुराने ज़माने से चलते आ रहा है एकदम ट्रेडिशनल तरीका है ये मिट्टी, तो मिट्टी से आज मैं आपको बाल धो बताऊँगी कि कैसे बाल धोया जाता है। और इसे छाछ या जिसे हम बोलते हैं बटन मिल्क या फिर गाँव में बोला जाता है मही, तो उसी के साथ हम धो रहे हैं। अगर मही नहीं रहता तो मिट्टी के साथ धोते हैं। तो आज मैं आपको मही के साथ बता रही हूँ कि काली मिट्टी और मही के साथ बाल हम कैसे धोते हैं एकदम ट्रेडिशनल मेथड से। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हेयर डन करके दिखाऊं, तो बालों को हेयर डन करके भी दिखाऊंगी आपको इसी वीडियो में, और इसी हेयर वॉश भी हो जाएगा आपका, तो दो वीडियो आपका एक साथ कंप्लीट आपको आपके रिक्वेस्ट पर हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ मिट्टी और मही जो मैंने रखा है अभी। तो ये था फ्रेंड मेरा हेयर वॉश का वीडियो, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा जरूर लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा फ्रेंड। और
ये जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल तरीके से मैंने आपको बताया है, जैसे कि हेयर वॉश हम लोग पुराने जमाने में जब करते थे, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें बहुत सारा बेनिफिट भी होता है। अगर आप मिट्टी से धोते हैं बाल तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बाल के लिए भी होता है और हेल्थ के लिए भी होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।